लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक साथ 12 गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्ला ने भी इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। मतलब इसराइल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इसराइल की सेना के सामने चुनौती बने हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान की सीमा से हिजबुल्ला ने भी उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसराइल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लेबनान की तरफ से दागी गई 12 मिसाइलों से उसे कितना नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला ने इसराइल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, वो भी तब जब इसराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इसराइल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इसराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इसराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बट सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इसराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इसराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है, क्योंकि इसराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इसराइल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि दो दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन दो दिन पहले इसराइल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे, और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी, लेकिन बाद में यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था, जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे। यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इसराइल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे, मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इसराइल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो इसराइल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इसराइल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इसराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल और हमास की जंग में इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। इसराइल और हमास की जंग में वो अमेरिका के दोस्त इसराइल के खिलाफ खड़ा है। हालत यह हो गई कि इसराइल ने तुर्की से अपने लोगों को निकालना तक शुरू कर दिया, क्योंकि हमास के खिलाफ उसकी जंग यहूदियों और मुस्लिम देशों की जंग में बदलती दिख रही है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े ईरान और सऊदी अरब के बीच सारा झगड़ा ही शिया और सुन्नी मुसलमानों का था, लेकिन जैसे ही बात इसराइल से लड़ने की आई बाजी पलट गई और ईरान और सऊदी अरब एक हो गए और अमेरिका की पश्चिम एशिया में पकड़ ढीली पड़ती दिखी, क्योंकि आज की तारीख में पश्चिम एशिया में उसका केवल एक ही दोस्त है और वो दोस्त इसराइल है, जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, क्योंकि इसराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हैं, और ये सभी देश मुस्लिम हैं, जहां अमेरिका का किसी न किसी तरह से दखल है, जहां से वो पश्चिम एशिया में ईरान को पैर फैलाने से रोक रहा है। लेकिन हमास और इसराइल की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सऊदी अरब और इसराइल को साथ लाने का प्लान फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गया।
मतलब ईरान का प्लान काम कर गया और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। वैसे ईरान ने ये माहौल यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसराइल के तीन पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इसराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधारा। जैसे ही हमास से इसराइल की जंग शुरू हुई, ईरान खुलकर मैदान में आ गया और दुनिया दो टुकड़ों में बंटने लगी, क्योंकि ईरान ने इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दी और उसे धमकी दी कि अगर इसराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर हर मोर्चे पर जंग शुरू हो सकती है। और इसराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि उसने जिस हिजबुल्ला को बनाया है वो इसराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन में सक्रिय है। यानी इसराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के दम पर ही ईरान के राष्ट्रपति ने इसराइल को धमकी दी और दो टूक बोल दिया कि मुस्लिम देश गाजा में हो रहे वॉर क्राइम का बदला लेंगे, और ईरान के राष्ट्रपति अमेरिका पर भी भड़के और साफ साफ बोल दिया कि इसराइल ने गाजा में जो किया उसमें अमेरिका भी भागीदार है। वैसे तो ईरान जंग के पहले ही दिन से इसराइल पर भड़क रहा है, लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद तो ईरान का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अल अहली अस्पताल में रॉकेट गिरने के बाद 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया पर संकट बढ़ गया, क्योंकि इस घटना ने दो गुटों में बटी दुनिया का झगड़ा और बढ़ा दिया। अल अहली अस्पताल में हजारों शरणार्थी थे जो रॉकेट गिरने के बाद लगी आग का शिकार हो गए, जिसके बाद फिलिस्तीन ही नहीं ईरान, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब जैसे देश इसराइल पर भड़क गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अल अहली अस्पताल पर इसराइल का ही रॉकेट गिरा था, जबकि इसराइल ने एक वीडियो जारी करके दो टूक बोल दिया कि अस्पताल पर फिलिस्तीन की मिसाइल गिरी थी जिसका टारगेट इसराइल था, लेकिन मिसाइल मिसफायर होकर गाजा के ही अस्पताल पर गिर गई। ईरान को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि अस्पताल पर रॉकेट बाइडेन के इसराइल दौरे से कुछ घंटे पहले ही गिरा और बाइडेन ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, और इसी बात से पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल इतना बिगड़ गया कि जॉर्डन और फिलिस्तीन ने बाइडेन से मुलाकात ही कैंसिल कर दी। यानी ईरान की पश्चिम एशिया में अमेरिका को कमजोर करने की मुहिम रंग लाती दिखी। रूस और चीन की पश्चिम एशिया में एंट्री को आसान कर दिया और उनकी अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को घेरने की रणनीति कामयाब होती दिखी। हमास और इसराइल की जंग के बीच पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे दिया और गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया पहुंचे चीन के राजदूत ने बयान दिया कि मौजूदा हालात इसलिए हुए क्योंकि किसी ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। यानी जैसे ही चीन ने देखा कि लोहा गर्म है उसने हथौड़ा मार दिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका गाजा में हमास के अंत के लिए जमीन और आसमान से हमले के पक्ष में है। We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. जबकि अमेरिका और इसराइल दोनों जानते हैं कि गाजा में केवल हमास के लड़ाकों की ही नहीं आम लोगों की भी मौत हो रही है, क्योंकि हमास के ठिकाने रिहायशी इलाकों में हैं, जिन पर इसराइल की मिसाइलें गिरते ही आसपास जबरदस्त बर्बादी होती है, आम लोगों की भी जान चली गई, जिसके बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश इसराइल और अमेरिका दोनों पर बरस पड़े। यानी चीन पश्चिम एशिया में जो करना चाहता था वो उसमें कामयाब होता नजर आया, क्योंकि चीन अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिम एशिया को इसराइल के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, जिसके लिए उसने ईरान को हथियार बनाया और सऊदी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई। यानी चीन ने पश्चिम एशिया में घुसने के लिए ईरान को रास्ता बनाया और ईरान ने इसराइल के तीन पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया। यानी पश्चिम एशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन गए, जिसमें यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने भी उसका साथ दिया। लेकिन हमास और इसराइल की जंग छिड़ते ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नजर आई, क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा है जो अमेरिका और इसराइल के साथ है, दूसरा धड़ा रूस और चीन के साथ, क्योंकि हमास और इसराइल की जंग पर अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का भी बयान आया और उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ है। उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस से हथियारों के लेनदेन का आरोप लग चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस का दौरा भी कर डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था, क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा है और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इसराइल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमे बंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है।
जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है, इसीलिए बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत से फोन पर बात की और उन्हें सैन्य मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इजराइल को अपने घातक हथियार देने में जुटा है और इसके अलावा उसके 3 जंगी जहाज भी भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं। खबर है कि इस बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने योआव गलांत को यह भरोसा दिया कि जल्द ही इजराइल के लिए खतरनाक हथियारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी।